कोरोना संक्रमण महामारी में लगातार हो रही भीड़ से त्राहिमाम मचा हुआ है। सरकार के निर्देश और गाइडलाइन को कोविड से बचाव मास्क का उपयोग को लेकर आम लोगों के बीच लगातार कई दिनों से देर शाम से ही मधुबनी जिले की एसडीएम बेबी कुमारी और एएसपी डॉक्टर शौर सुमन के नेतृत्व में अपर एसडीएम गोविंद कुमार, वीडियो चंद्रकांता, ईओ अमित कुमार, सीओ संतोष कुमार, थानाध्यक्ष संजय कुमार समेत स्थानीय प्रशासन और पुलिस पदाधिकारियों व पुलिस बल के साथ क्षेत्र में निर्देश का पालन नहीं करने वाले लोगों को जुर्माने के साथ लगातार आम लोगों के बीच निर्देश व गाइडलाइन के पालन करने और कोविड से बचाव और मास्क का उपयोग लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। सरकार व प्रशासन के निर्देश और गाइडलाइन पालन नहीं करने वालों पर प्रशासन के द्वारा सख्ती अपनाते हुए वाहन चालकों समेत कई लोगों को मास्क उपयोग नहीं करने पर प्रशासन के द्वारा जुर्माना वसूल किया जा रहा है एवं कोविड से बचाव हेतु जागरूक करते हुए कोरोना के बचाव को लेकर दिशा निर्देश के साथ गाइडलाइन का पालन करने हेतु अपील भी करते देखा जा रहा है। जयनगर क्षेत्र के बाजार में 6 बजे के बाद उड़नदस्ता और प्रशासन की टीम बाजार में पहुंचते ही दुकान खुले हुए दुकानदारों और बिना मास्क के बेवजह घूम रहे लोगों के बीच हड़कंप मच गया है। बिना मास्क के घूम रहे लोग इधर उधर भागने लगे। दुकानदार अपने दुकान के सामानों को समेटने में लग गए और दुकान के शटर और किवाड़ को बंद करने में लग गए। प्रशासन की टीम के द्वारा दुकानों को बंद करने की पुनः अपील करते हुए दुकानों को बंद करवाया और अब निर्देश व गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर अंतिम चेतावनी देते हुए कार्रवाई करने की बात कही गई। वहीं बिना मास्क के घूमने वाले लोगों से जुर्माना भी वसूल कर निर्देश व गाइडलाइन का पालन करने की अपील करते हुए लोगों को समझाया गया कि आप सभी मास्क का उपयोग जरूर से जरूर करें, ये अति आवश्यक है। आप सुरक्षित रहेंगे तो आपका परिवार और समाज भी सुरक्षित रहेगा। फोटो क्लिक भी करना है।